और बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, आज उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की संभावना है। विपक्षी एकता को लेकर दोनों के बीच बातचीत होगी, साथ ही विपक्षी दलों के प्रस्तावित बैठक पर भी चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार पिछले दो दिनों से दिल्ली में है। रविवार को उनकी मुलाकात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से हुई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ नीतीश ने केजरीवाल का साथ दिया है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष से हो सकती है मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आपको बता दें, विपक्षी एकता को लेकर हो सकती है बातचीत, और इससे पहले रविवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार की। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की प्रस्तावित बैठक पर भी चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार पिछले दो दिनों से दिल्ली में हैं। आपको बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी सीएम नीतीश कुमार की, और इससे पहले रविवार को अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार की। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्री जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, आज मुलाकात हो सकती है मल्लिकार्जुन खड़गे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्या कुछ हो सकता है जो आगे बैठक होनी है, जो एक मंच पर लाने की जो कवायद की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, क्या उसको लेकर आज मुहर लग जाएगी? देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने के मिशन में निकले नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं, और कल उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। आज ऐसी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, और तब आगे की रणनीति बनेगी कि विपक्षी दलों की एक बैठक कब बुलाई जाए और कहाँ बुलाई जाए। क्योंकि अब एक राउंड यूं कर लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर ली है, और सभी लोगों में यह आम सहमति बन गई है कि विपक्षी दल की एकता जरूरी है। लेकिन यह इसका रूप क्या हो, इसका स्वरूप क्या हो, कहाँ पर इसकी बैठक हो, पहली बैठक कहाँ हो, किनकी अध्यक्षता में, इन सारी बातों को लेकर के आज इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार का एक तरह से कहिए कि मंथन हो सकता है। और नीतीश जी चाहते हैं कि विपक्षी दलों की एकता में कांग्रेस को इनिशिएटिव देना चाहिए और कांग्रेस को आगे आना चाहिए। नीतीश बार बार बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस क्या इस पर तैयार होगी? क्या कांग्रेस के नेता सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे, और क्या उस पर सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद होंगे जिनका कांग्रेस के साथ छत्तीस का संबंध है, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा? इन सारी बातों पर मंथन होने की संभावना है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद ये तय होगा कि कहाँ पे ये बैठक होनी है और कब होनी है। हालांकि नीतीश जी का जो मिशन है वो अपने चरम पर है, नीतीश जी अपने कामयाबी दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश ने अलग अलग भले विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन एक मंच पर अभी भी सभी नेता नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ पे ये बैठक रखी जाए ताकि सभी नेताओं को वहां आने में सुविधा हो और सभी के समय का ध्यान रखते हुए ये बैठक सुनिश्चित की जाएगी। लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब मुलाकात होगी तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और फिर नीतीश आगे अभियान शुरुआत करेंगे या अपना जो अभियान है उसको जारी रखेंगे। रोमा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष से हो सकती है मुलाकात। कैसे आप हटा सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस से सब तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा? ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है,
ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक 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 राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए जाऊंगा।